नमस्कार, मैं कुमार संतोष। स्नेहिल छात्राओं, आप सभी का महाविद्यालय के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और बारंबार अभिनंदन करता हूं। स्नेहिल छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्रसंग आपका पाठ्यक्रम में चल रहा है और उस महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रकरण का नाम होता है अलंकार प्रकरण। अलंकार प्रकरण के अंतर्गत वैसे हम पूर्व की वीडियो में काफ़ी कुछ आपको अवगत करा चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। सौंदर्य अलंकार है, आचार्य वामन यही बोलते हैं कि सौंदर्य का दूसरा नाम क्या है, अलंकार है। अलंकरोति इति अलंकार है, जो भी वस्तु, जो भी तत्व, जो भी धर्म क्या करते हैं, काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं, वो सभी धर्म, वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ये सारी जानकारियाँ हम आपको विगत वीडियो में अवगत करा चुके हैं। अलंकारों के भेदों के संदर्भ में भी आपको बता चुके हैं कि अलंकारश्च द्विविधा, शब्द अलंकारश्च अर्थ अलंकारश्च। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के भेद से। ये भी जानकारी हम आपको पूर्व के वीडियो में अवगत करा चुके हैं। अब उसी अर्थ अलंकार के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आज कुछ नवीन अलंकारों के साथ हम और आप परिचर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी व्यवधान के आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। एक नवीन अलंकार जो आपके साथ पहली बार पढ़ा है, उस अलंकार का नाम होता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार का सबसे पहले आपको क्या करना है, लक्षण पढ़ना है कि उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक सा एव सः। उपमानाद यदि अन्य से व्यतिरेक सा एव सः, यानी कि इसका भावार्थ क्या है कि जहां पर उपमेय का उपमान से अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाएगा वहां पर आपका व्यतिरेक नामक अलंकार होगा। व्यतिरेक अलंकार को भली भांति से समझने से पूर्व आपको जो दो पारिभाषिक शब्द हैं कौन कौन से, उपमेय और उपमान, इनके संदर्भ में जानना आवश्यक है कि जिसको उपमा दी जाती है वो होता है उपमेय और जिसकी हम देते हैं वो होता है उपमान। जैसे कि अलग से लिख के बता देते हैं, मुख चंद्र, मुख चंद्र, तो मुख क्या है, उपमा दी जा रही है इसलिए उपमेय है। चंद्र क्या है, इसकी उपमा दे रहे हैं इसलिए क्या है, उपमान। तो जिसको उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिसकी देते हैं वो उपमान होता है। जैसे यहां पर मुख क्या है, उपमेय है, क्योंकि मुख को चंद्रमा की उपमा दी जा रही है, ये आपको सरल रखना है। तो जहां पर उपमेय का उपमान से अधिक बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाएगा वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, व्यतिरेक अलंकार। तो उदाहरण की ओर चलते हैं कि दिशी मंद यते तेजो दक्षिणास्य मुरवेरपि तस्याम एव रघो पांड्या प्रतापम नाभिसहिरे। दिशि मंद यते तेजो दक्षिणास्यम रवेरपि तस्याम एव रघो पांड्या प्रतापम नाभिसहिरे। तो इस श्लोक में आप देखेंगे रघुकुल के सबसे प्रतापी जो सम्राट हैं महाराज रघु का जो तेज है उसको सूर्य के तेज से भी क्या बताया गया है, बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। इसलिए यहां पर व्यतिरेक नामक अलंकार है, जबकि होना क्या ही चाहिए था कि सूर्य के तेज का रघु के तेज से अधिक होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है कि सूर्य वंश के जो कुलभूषण है सम्राट रघु, उनका तेज इतना है, इतना तेज है कि उसके सामने तो भगवान भास्कर सूर्य का तेज भी क्या का पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक नामक अलंकार है कि जहां पर उपमेय का उपमान से अधिक बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाएगा वहां पर अलंकार होगा कौन सा आपका, व्यतिरेक। और इसी प्रकार इसी कड़ी में आगे चलते हैं और आप पढ़ेंगे आप एक नवीन अलंकार, उस अलंकार का नाम होता है क्या, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना, अतिशयोक्ति अलंकार। तो या दूसरे शब्दों में ये कहें कि सिद्धत्वे अध्यवसाय स्यातिशयोक्ति निगदते, सिद्धत्वे अध्यवसाय स्यातिशयोक्ति निगदते। जी जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप सिद्ध होता हो, उपमेय में उपमान का आरोप सिद्ध होता हो,
वहां पर क्या होता है आपका अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है कि उपमेय में उपमान का जहां पर आरोप सिद्ध होता हो वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। चलते उदाहरण की ओर, कैसे कि अकाल चलता अवली फिर तू नाम मुखतावली पर्वणी इदं तु महद भूतं यदन पाई विद्युतुलता अविलंब कनका चल द्वय मधो मुखम नृत्यति अकाल जलदा अवली कीर तु नाम मुक्तावली रे पर्वणी विधुन्तु दस्तुदतु हन्त शीत दुते इदं तु महद भूतं यदन पाई विद्युतलता अवलंबी कनिका चल द्वय मधो मुखम नृत्यति। इस श्लोक में क्या है, एक सद्य स्नाता रमणी का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है कवि ने कि सद्य स्नाता एक ऐसी नवयुक्ति, ऐसी कोमलांगी, ऐसी प्रसंगी नवयुक्ति जिसने अभी अभी स्नान किया है तो उसके उसका उल्लेख किया है, तो उसके केश आदि का उल्लेख ना किया नहीं किया गया, यानी कि उसके केश आदि का मेघ इत्यादि के द्वारा क्या कर लिया गया है, निगरण कर लिया गया है। तो उपमेय सद्य स्नाता रमणी का उपमान जो मेघ इत्यादि हैं उनके द्वारा निगरण कर लिया गया है, यानी कि उपमेय में उपमान का आरोप सिद्ध अगर हो रहा हो तो वहां पर क्या होता है आपका अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का जहां पर आरोप सिद्ध हो रहा हो या आरोप निश्चल हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है आपका अतिशयोक्ति नामक अलंकार होता है। तो इस श्लोक में भी सद्य स्नाता रमणी का उल्लेख किया गया है, उसके केश आदि का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि उसके केश इत्यादि का मेघ इत्यादि के द्वारा निगरण किया गया है, तो स्पष्ट है कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, दो नवीन अलंकारों के बारे में हमने आपसे परिचर्चा की, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन अलंकारों के साथ। लगता है अब आपके अलंकार भी एक दूसरे में कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद नवीन टॉपिक का हम शुभारंभ करेंगे। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको प्रदान की जा रही है उससे आप अपने अध्ययन को एक नवीन दिशा और गति प्रदान करने में समर्थ होंगे। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ मैं कुमार संतोष आज की क्लास में लेता हूँ आपसे विदा। आपसे एक विनम्र आग्रह कि आपसे विनम्र आग्रह ये है कि ये सारी जानकारी आपको महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मेरे स्वयं के चैनल कुमार संतोष शर्मा पर भी उपलब्ध है। तो विनम्र आग्रह, करवट आग्रह आपसे ये कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का परिश्रम करें और लाइक करने का श्रम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आज की क्लास में आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।